सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। जहां जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, वहां वहां गांव के लोगों द्वारा इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। लोगों के रुके हुए काम उनके घर पर ही हो रहे हैं और लोग इसको लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। लोग इसके लिए सरकार की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में ये यात्रा अम्बाला के गांव जमैतपुर में पहुंची, जिसमें गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। यहाँ पहुँचने पर गाँव वासियों ने गृह मंत्री का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने मंच से लोगों को संबोधित किया और यात्रा के बारे में जानकारी दी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि विश्व में तीन प्रकार के राष्ट्र हैं, एक अविकसित, दूसरे विकासशील और जैसे कि हमारा देश, और तीसरे विकसित देश जिनकी संख्या दुनिया में 37 है, और 38वां हमारा देश होगा, जिसका सपना पीएम मोदी ने 2047 तक होने का देखा है। इस मौके पर उन्होंने लोगों को शपथ भी दिलाई। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी विकसित भारत संकल्प यात्रा अम्बाला के गांव जनैतपुर में पहुंची। इस यात्रा में गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया और मंच पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी है। उन्होंने कहा कि ये तो मोदी जी का विजन है कि सरकारी योजनाओं का फायदा हर आदमी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की है, जो हर गांव में जाएगी। जो जो योजनाएं लागू की गई हैं, अगर उनके कुछ पात्र रह गए हैं और वो इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो उन्हें मौके पर ही लाभ दिलाया जा रहा है। उन्होंने मन से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में तीन प्रकार के देश हैं, एक वो जो अविकसित है, जहां भुखमरी और लोगों को कोई भी सुविधा नहीं मिलती, दूसरे विकासशील देश जैसे कि हमारा देश, और तीसरे विकसित देश। उन्होंने कहा कि दुनिया में विकसित देशों की संख्या 37 है और 38वां हमारा देश होगा, जिसका सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित होने का देखा है। इस मौके पर उन्होंने लोगों को शपथ भी दिलाई। विकसित भारत संकल्प यात्रा आई है और इसके आने के बहुत मायने हैं, क्योंकि इसके साथ सभी सरकारी विभाग जिनसे आपको काम पड़ता है, वो सारे अधिकारी यहाँ पर आए हैं। जैसे गली में सब्जी बेचने वाला आता है, आलू ले लो, गोभी ले लो, प्याज ले लो, वैसे ही आज सरकार आई है कि बुढ़ापा पेंशन लगवा लो, विधवा पेंशन लगवा लो, आधार कार्ड बनवा लो, आयुष्मान भारत कार्ड बनवा लो। ये पहली बार 1947 के बाद, जब से देश आज़ाद हुआ है, पहली बार है कि सरकार हर दर पर जा रही है कि जो जो स्कीमें प्रदेश सरकार ने या केंद्र सरकार ने घोषित की हैं, उसका 100% लोगों को लाभ मिलना चाहिए। वैसे तो बहुत जागरूक हैं लोग, खुद भी इन्होंने और अपने नुमाइंदों के माध्यम से भी इन्होंने यहाँ पर जो जो जिस चीज का हक बनता था उसको दिलवाया है। लेकिन फिर भी अगर कोई रह गया तो उसको सारे जाकर दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, इसलिए इस प्रकार की जो यात्रा है वो हर गांव में जा रही है, देश के हर शहर में जा रही है। 2,20,000 गांव में ये यात्रा जा रही है। हरियाणा के भी 6,200 गांव में ये यात्रा जा रही है। शहरों में भी, सभी शहरों में, देश के लगभग 15,000 शहरों में ये यात्रा जा रही है और इसका नाम विकसित भारत यात्रा इसलिए रखा क्योंकि पहली बार देश में
कोई प्रधानमंत्री आया है जिसने संकल्प लिया है कि 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्रों की सूची में लाना है। अभी तक जो पिछली सरकारें आईं